creature that emerged from the sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon। यहाँ पे वर्ड जानना है medievally conceived, मध्यकालीन युग, मिडिल एजेस, मिडिल इरा, conceived में बना हुआ। creature that emerged from the sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom। जहाँ मैं रह रहा था consulate गेस्ट हाउस में, बेडरूम में, वहाँ मैं जब प्लेस किया, किसको प्लेस किया, ऑटर को, वहाँ पे टाइल्ड फ्लोर था। और जब मैं खोला उस ऑटर को तो मुझे कैसा प्रतीत हुआ, बेडरूम में कैसा रिजेंबल कर रहा था, कैसा दिख रहा था, किसे सिमिलैरिटी था, अ वेरी स्मॉल, मध्यकालीन युग का कोई जानवर हो, एक ड्रैगन की तरह, लाइक ड्रैगन। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल ऑफ मड आर्मर। माथे से लेकर के टेल तक कोटेड था, एक परत जमा हुआ था, जो सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर, बिल्कुल सिमेट्रिकल, ओवरलैपिंग कर दिया था उसके बॉडी पर। क्या ओवरलैप कर रहा था, क्या सिमेट्रिकल था, मड कोटिंग, मानो कि वह मड कोटिंग एक्ट कर रहा है आर्मर के रूप में, कवच के रूप में। आर्मर मीन्स कवच, आउटर कवरिंग, शील्ड। बिटवीन हुज टिप्स वॉज विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन। जो टिप्स था, टेल का हिस्सा का अंतिम छोर, वो कैसा विजिबल हो रहा था ऑथर को, सॉफ्ट वेलवेट, बड़ा ही सॉफ्ट, मुलायम, वेलवेट फर के तरह उसका महसूस किया वो। और कलर कैसा पाया, चॉकलेट ब्राउन। सिर्फ अभी कहाँ देखा है, टिप्स ऑफ टेल देखा है, थोड़ा सा मिट्टी वहाँ झड़ गया था। मिट्टी को झाड़ने में लगभग 1 महीना लग जाएगा, किसको, ऑथर को, साफ करते करते। लेकिन जो रियल कलर था ऑथर जान चुका था, बिकॉज टिप्स पर थोड़ा मड हट चुका था। ही शुक हिमसेल्फ, ऑटर जो है अपने आप को झाड़ा। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, मैंने थोड़ा उम्मीद भी किया था थोड़ा सा गुबार उड़ेगा। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ऑटर। लेकिन कोई मड का गुबार नहीं उड़ा, उसके बॉडी से मड का परत नहीं उड़ा, नहीं हटा। 1 महीना लग गया मुझे, क्या चीज़ करते करते, उसको साफ करते करते, रिमूव द लास्ट ऑफ द मड, अंतिम परत जो मड का था उसको हटाते हटाते मुझे 1 महीना लग गया। एंड सी द ऑटर, और तब मैंने जाके रियल ऑटर को देखा अपने आँखों से। एज इट वेयर इन हिज ट्रू कलर्स, अब वो बिल्कुल अपने बिल्कुल सही कलर में था, दैट इज चॉकलेट ब्राउन। Miserable as I called the otter was in fact of a race previously unknown to science। Miserable जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ऑथर कहते हैं यह स्पीसीज, इस प्राणी का विज्ञान इसके प्रति अनभिज्ञ था। And was at length christened by zoologist, और बाद में विस्तार से इसका नाम रखा गया, christened means नामांकरण करना, zoologist के द्वारा। क्या नाम दिया गया, लुट्रोगेल परस्पिसिलटा मैक्सवेली, ये नाम दिया गया जूलॉजिस्ट के द्वारा, क्योंकि यह स्पीसीज किसके पास पाया गया, मैक्सवेल के पास, उसके नाम को जोड़ दिया गया। और शॉर्ट में मैक्सवेल्स ऑटर नाम दिया गया, जूलॉजिकल नहीं। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। ऑथर कहते हैं पहला 24 घंटा जो मैंने निभाया, उसके साथ समय बिताया, ऑटर का जो बिहेवियर था नॉट फ्रेंडली था, ना हॉस्टाइल था। हॉस्टाइल मीन्स फीलिंग ऑफ एनिमिटी, दूरी ना नज़दीकी, बिल्कुल इंडिफरेंट था ऑटर। फॉर 24 आवर्स, फर्स्ट 24 आवर्स ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इंडिफरेंट। हमसे वह शुरू में बहुत दूर रहता था और बिल्कुल इंडिफरेंट, कोई भाव व्यक्त नहीं करता था, कोई प्रेम का भाव, कोई रिस्पॉन्स उसने मुझे नहीं दिया ऑटर, ऐसा ऑथर कहते हैं। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, वो चुनता था कहाँ सोने के लिए, मेरे बेड से बहुत दूर, यानी हमसे दूरी बना के रखा। लेकिन एनिमिटी का भाव भी, वो एग्रेसिव भी नहीं हुआ, मेरे संग में मेरे समय बदला। द सेकेंड नाइट मिजबिल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स and remained asleep in the crook of my knee until the servant brought tea in the morning. लेकिन second night एक चमत्कार हुआ, बदलाव आया मिजबिल के बिहेवियर में। मिजबिल जो है small hours, that means early morning. Small hours refers to early morning, 4-5 AM। वो आकर के चुपचाप क्रूक में घुस गया। क्रूक कहते हैं नी जो है उसके बीच में घुस करके बैठ गया। वो Crook of my knee means soft inside part where you bend your knee. वहाँ दुबक करके बैठ गया वो। Early morning उसके लिए शब्द है small hours। और तब तक लेटा, तब तक सोया रहा जब तक मेरा servant चाय लेकर वहाँ नहीं पहुँच गया, जब तक जगाया नहीं मुझे। मैं unaware था कि मेरे क्रूक में दुबक करके otter लेटा हुआ है, सोया हुआ है। What we see here? Friendly behavior of otter starts here. The company of the otter and the author starts here. And during the day he began to lose his apathy and take a keen, much too keen interest in his surroundings. Apathy means absence of interest. अरुचि नहीं होना, यानी मुझमें अब रुचि लेने लगा वो। During the day he began to lose his apathy. जैसे जैसे दिन बीता, otter जो है वो लूज करने लगा अरुचि। मुझ में जो अरुचि थी उसकी पहले वह अब नहीं थी। एंड टेक अ कीन, मच टू कीन। और मुझ में उत्सुकता और उत्सुकता उसकी बढ़ने लगी। मुझ में इंटरेस्ट लेने लगा। कौन? मेरा ऑटर, मेरा पेट। और नहीं मुझ में ही नहीं, सिर्फ सराउंडिंग में भी वो अब एडजस्ट हो गया। कौन? ऑटर। अब वर्णन है क्या क्या व्यवस्था किया ऑटर को रखना है, ऑथर को। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम। मैं उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया, एक पट्टा बनाया और उसको उसी पट्टे के सहारे, लीड मतलब रस्सी, सिक्कड़, उसको बाथरूम ले आता था पकड़ करके उस लीड के माध्यम से। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर। आधा घंटा तक ऑटर निकलता नहीं था बाथरूम से, पानी से। बिकॉज Otter is a semi-aquatic animal. It has natural affinity for water. और वो पानी में आनंदित महसूस करता था। Plunging and rolling. Plunging means falling, sinking और rolling करना। Rolling का हिंदी क्या होगा? घुड़कना, गोल गोल घुड़कना। ये सब करामात वो करना शुरू कर दिया। Shooting up and down the length of the bathtub under water. कभी वो jump करता था, shooting up, कभी वो पानी के नीचे चला जाता था, डाउन लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर, वाटर टब में। कभी वह गोता मारता था, कभी वो ऊपर जंप करता था। एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो। स्प्लॉश मीन्स स्प्लैश, पानी को छपाक से हटाना। स्प्लॉस्ड का इंग्लिश मीनिंग होगा स्प्लैश्ड, छलकाना। क्या बिहेवियर था ऑटर का? बाथ टब में जो वाटर था वो सभी वाटर को वो स्लॉश करता था, निकाल देता था, छलका देता था। एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो, जैसे कि हिप्पो पानी में छलकाता है, छपाक का जो एक पानी को मूव करवाता है वो अपने बॉडी के पार्ट से, एक वेलोसिटी से पानी के सरफेस पे मार कर। वैसे ही हिप्पो की तरह ये बिहेवियर करता था। कौन? ऑटर। दिस आई वॉज टू लर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर। ये मुझे लर्न करने में, जानने में सफलता मिली अबाउट द ऑटर, कि ये ऑटर का नेचुरल स्वभाव है। क्या करना? स्प्लैशिंग ऑफ वाटर। थोड़ा सा भी बाउल में पानी रहेगा, कहीं भी पानी रहेगा उसको गिराएगा, उड़ेल देगा। Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. Every drop of water, बाथरूम टब में अगर रहे, हर एक बूंद को, एक बूंद नहीं छोड़ेगा वो, सबको उड़ेल देगा, छलका देगा। About the place, आसपास पानी को बिखेर देगा। A bowl must at once be overturned. अगर कटोरा भर कर पानी आप सामने रख दो, क्या करेगा ऑटर? उड़ेल देगा उसको, ओवरटर्न कर देगा, उलट देगा। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑटर का जो एग्जाम में पूछ सकता है। और इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न्ड, अगर बाउल कटोरा पानी का या वाटर टब अगर नहीं ओवरटर्न करने में सफलता मिले उसको, बी सैट इन एंड स्प्लॉस्ड इन अनटिल इट ओवरफ्लोज, तो उस पानी के स्रोत में कटोरा में टब में बैठ जाता था वो और स्प्लॉस्ट करता था, छलका देता था। स्प्लैश्ड होता है मीनिंग स्प्लॉस्ट का। इट वुड स्प्लैश्ड ऑल द वाटर दैट वुड बी प्रेजेंट इन द वाटर टब और बाउल। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर और ये स्वाभाविक कैरेक्टरिस्टिक्स है बिकॉज इट इज सेमी एक्वेटिक एनिमल। पानी से खेलना उसका स्वाभाविक गुण है। इन अनटिल इट ओवरफ्लोज, तब तक पानी को छलकाता था वो जब तक पूरा पानी क्या ना हो जाए, ओवरफ्लो ना हो जाए, उस पर वह बैठ जाता था वाटर टब में जब तक पूरा पानी उड़ेल न दिया जाए। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स। मूवमेंट ऑफ वाटर उसका पसंदीदा सीन था, एक्टिविटी था। पानी मूव करना चाहिए, टैप से गिरे या फिर टब में पानी रहे तो वो भी मूव करते रहे। ये उसका प्रकृति था, ये उसका स्वभाव था, ऐसा वो चाहता था। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड इट टू डू थिंग्स। वाटर को हर समय मूव कराना ही उसका गुण था। वाटर टब में पानी है, मूव करे, वो अपने हाथ से मूव करवाता था वो। एंड मेड टू डू थिंग्स, ये चीज़ को वो करता था, पानी को मूवमेंट करवाना। मूव टू थिंग्स का मतलब है व्हेन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। जब पानी स्थिर रहे वाटर टब में या बाउल में, स्टैटिक मीन्स मोशनलेस, इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। अगर पानी स्थिर हो बाउल में वाटर टब में, ये स्वीकार नहीं है, नहीं था किसको, ऑटर को, उसको वो वेस्ट करता था। और अगर वो उड़ेल नहीं सका तो ज़्यादा प्रवोक होता था। प्रवोक का हिंदी क्या होता है, उकसा जाता था, कॉजिंग एंगर। यस, ही वुड बिकम इरिटेटेड एंड एंग्री।